तो एमसीयू में रोडी स्क्रल कब से है? अगर वो सिविल वॉर की इवेंट से है तो पिछले 9 सालों में किसी दूसरे एवेंजर ने अभी तक उसे क्यों नहीं पकड़ा? सुपर स्क्रल बनने के बाद वो अब कौन सा एवेंजर है जो गाया को बैटल में हरा सकता है? एंड अगर गाया एंड ग्रेविक की पावर सिमिलर ही थी तो वो ग्रेविक को मार ही कैसे पाई? इन सभी क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर करूंगा मैं आज के एपिसोड में। हाई सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थियरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थियरीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ट्विटर पे हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना। मेरी ट्विटर आईडी है SFYTSwapnil। लास्ट वीक का मेरा गोल था 40 फॉलोवर्स एंड 42 हमने गोल कंप्लीट कर लिया है। इस वीक के लिए भी सिंपल रखते हैं, हाफ सेंचुरी 50 फॉलोवर्स अचीव करना है। प्लीज अगर ट्विटर पे हो तो मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ मैं शेयर करता हूं, तो देख लो अगर ट्विटर पे हो तो प्लीज फॉलो कर लेना। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में होंगे बहुत सारे स्पॉयलर्स। तो अगर आपने सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो सीरीज को खत्म करने के बाद ही देखना। 2 दिन पहले मैंने YouTube कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन से लेता हूँ जो सारे गाया से रिलेटेड है। तनुश्री दास का क्वेश्चन है कि गाया वर्दी है क्या? सिमिलरली अभी का भी क्वेश्चन है, डिड गाया हैव थॉट्स पावर? और गेमिंग मशीन का भी है कि इस गाया वर्दी? तो अब हमें ये तो बताए कि गाया के अंदर थॉर का डीएनए है, लेकिन थॉर का म्योनीर उठाने के लिए उस पर्सन का डीएनए या ब्लड मैटर नहीं करता, क्योंकि म्योनीर पे एंचेंटमेंट लगा हुआ है एंड वो एंचेंटमेंट पर्सन की वर्दीनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स के पास तो गार्डियन डीएनए था ही नहीं, फिर भी वो म्योनीर उठा पाया। तो यहाँ पर गाया वर्दी है या नहीं वो इस बेस पे नहीं कह सकते कि उसके पास थॉर का डीएनए है, वो चीज डिसाइड खुद म्योनीर करेगा उसके एंचेंटमेंट की वजह से। अब जो नेक्स्ट चारों क्वेश्चन है हाइप्रो, रजा, अल्फत और कैंग के, और मेनली चारों ने यही पूछा है कि गाया का एमसीयू में फ्यूचर क्या होगा, क्या वो थंडरबोल्ट्स या फिर कैंग डायनेस्टी में दिख सकती है। तो ये जायज भी है क्वेश्चन, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है गाया का, जो सुपर स्क्रल है, एक्चुअल में सुपर पावरफुल हो चुकी है। लेकिन इतना तो कंफर्म्ड है कि गाया फ्यूचर एमसीयू में जरूर दिखेगी, बट वो किस लेवल पे दिखती है वो डिपेंड करता है सीरीज और कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी पे। अब ऑब्वियसली एमिलिया क्लार्क, जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, वो काफी पॉपुलर एक्ट्रेस है, लेकिन सीरीज में जो उनका रोल छोटा सा था और एंड में सडनली सुपर पावरफुल दिखा दिया है उसको, तो वो चीज शायद फैंस को इतनी हजम नहीं हो रही। एंड ऑल्दो सीरीज के हिसाब से वो एंडिंग सही थी, लेकिन फिर एक सुपर पावरफुल कैरेक्टर जो सभी अवेंजर्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब उसने अवेंजर्स की रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दी एक तरह से। तो अब ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या फैंस इस कैरेक्टर की डिमांड करते हैं। अगर डिमांड रहेगी तो कैरेक्टर वापस आएगा और जो अवेंजर्स लेवल मूवीज है उसमें वो दिख सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर हमें फ्यूचर में कब दिखेगा, उसके लिए अभी काफी टाइम देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड है गाया की पावर्स को लेकर। सफवन ने पूछा है कि क्या मतलब अब गाया सब अवेंजर्स के मुकाबले में पावरफुल है, और डेंजरस एडिट्स का क्वेश्चन है हु कैन डिफीट गाया इन अवेंजर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो में आगे देता हूं जब मैं गाया और ग्रेविक की जो फाइट हुई है उसका कंक्लूजन पे डिस्कस करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो रिलेटेड है एजेंट रॉस से। रोहन मलिक का क्वेश्चन है और अवेंजर्स राहिर का भी क्वेश्चन है, रोडी और रॉस कब से स्क्रल है? अब एजेंट रॉस स्क्रल के रूप में हमें फर्स्ट एपिसोड में ही दिख गया था, जहां स्टार्टिंग में ही उसे मार दिया गया और ये रिवील किया गया कि वो एक स्क्रल था। एंड उसी टाइम से ये डिस्कशन चल रहा था कि वो कब से स्क्रल है, क्या ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में जो एजेंट रॉस हमने देखा था वो भी एक स्क्रल था। एंड उसके बाद जो एजेंट रॉस को प्ले कर रहे हैं एक्टर मार्टिन फ्रीमन, उन्होंने भी यही कहा था कि ब्लैक पैंथर के टाइम जो ये रोल उन्होंने किया था उस टाइम उनका स्क्रल को लेकर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था, यानी कि वो एज अ ह्यूमन एज एजेंट रॉस ही इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे। अब मेरा ये मानना है कि रॉस को रशिया में जो इनका ये मिशन था, जहां स्क्रल सिर्फ पता करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है या नहीं, सिर्फ उसी मोमेंट के लिए, यानी 2-4 दिन पहले ही एजेंट रॉस को किडनैप किया गया है और उसके बाद वो स्क्रल से रिप्लेस हुआ है। अब मेरा ये मानने का रीजन है कि रॉस वकांडा से काफी ज्यादा टच में रहा है, एंड अगर कोई वकांडन टेक्नोलॉजी को जानता है तो वो लोग बहुत इजीली ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि कौन स्क्रल है और कौन ह्यूमन। एंड आई स्टिल बिलीव कि वकांडा के अंदर अभी भी कोई स्क्रल नहीं है, स्पेशली मेजर कैरेक्टर्स, जिस बारे में और आगे डिस्कस करूंगा कि कौन सा कैरेक्टर स्क्रल हो सकते हैं। लेकिन रॉस इस मूवी के बाद ही स्क्रल बना है और वो सीक्रेट इन्वेजन की जो ये इवेंट्स है इसकी टाइमलाइन से जस्ट पहले की बात होगी। रोडी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, रॉस के बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट रॉस की। अंकित मजुमदार का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम सीक्रेट इन्वेजन? अब सीक्रेट इन्वेजन सीरीज जब चल रही थी तब मुझे लग रहा था कि प्रेसिडेंट रिटसन भी एक स्क्रल है जो इस सीरीज के एंड में एक्सपोज हो जाएगा और उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट बनेगा जो हैरिसन फोर्ड का थंडरबोल्ट रॉस होगा। बट देन एंडिंग में ये रिवील किया गया कि ये प्रेसिडेंट ह्यूमन ही है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो जो ट्विस्ट एंड में दिखाया गया है कि प्रेसिडेंट रिटसन गवर्नमेंट के सामने एक ऐसा बिल प्रेजेंट कर रहा है जो अगर अप्रूव हो जाता है तो अर्थ पे जितने भी एलियन स्पीशीज है जिनमें थॉर और कैप्टन
मार्वल भी आते हैं, सभी एस्गार्डियंस भी आते हैं, उन सभी को ह्यूमंस का एनिमी घोषित कर दिया जाएगा। एंड जो लास्ट का सीन था जहाँ पर लोग जाकर जो स्क्रल्स के इम्पोस्टर्स थे उनको शूट करते हैं, जिनमें कुछ स्क्रल्स मरते हैं और कुछ ह्यूमंस होते हैं वो भी मरते हैं। तो यही जो चीज है, ये जो बिल उसने प्रेजेंट किया है, इसी की वजह से उसकी जो गवर्नमेंट है वो टूटेगी, वो प्रेसिडेंसी से जाएगा, जिसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा थंडरबोल्ट रॉस, हैरिसन फोर्ड जिसे प्ले कर रहे हैं। एंड वो चीज हमें देखने मिलेगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। तो जो प्रेसिडेंट रिचसन की प्रेसिडेंसी जाएगी, वो रीजन है कि उसने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुसिफर का, एमसीयू वाले यूनिवर्स में कोई और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी स्क्रल हो सकता है। अब सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले में जब गाया को सोनिया लेके जाती है उस लोकेशन पे जहाँ पे बहुत सारे और ह्यूमंस कैप्चर्ड थे, यानी कि उनके रिप्लेसमेंट के रूप में स्क्रल्स अर्थ पे घूम रहे हैं, तो वो ये तो प्रूव कर रहा है कि ग्रेविक की तरह और भी कुछ स्क्रल लीडर्स होंगे जो इस तरह के अपने फैक्शंस बना के अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड में टोटली फैले हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है शैरन कार्टर, जिसको हमने द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में पावर ब्रोकर के रूप में देखा था। एंड वहीं सेकंड कैरेक्टर वैलेंटिना एलेग्रा, जो कि मुझे लग रहा है कि उसे भी स्क्रल के रूप में एक्सपोज किया जा सकता है। एंड देन सुपर स्क्रल वाली पावर को ध्यान में रखते हुए थंडरबोल्ट रॉस, जिसको रेड हल्क के रूप में दिखाया जाएगा कैप्टन अमेरिका के फोर्थ पार्ट में, उसको भी एक स्क्रल के रूप में दिखाया जा सकता है। तो ये वो दो तीन कैरेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि स्क्रल्स के रूप में फ्यूचर में देख सकते हैं। अवेंजर राहिर का क्वेश्चन है, निक फ्यूरी को घोस्ट का डीएनए कैसे मिला? गौरव का क्वेश्चन है, इबोनी माओ का डीएनए कैसे मिला शील्ड को? और प्रो गैंग का क्वेश्चन है, हाउ स्क्रल हैज घोस्ट एंड इबोनी माओ पावर? घोस्ट का डीएनए उनको मिला है एंटमैन एंड द वास्प की इवेंट के बाद। अब बात करें इबोनी माओ की, तो वो स्पेस में मरा था लेकिन अर्थ पे भी आया था। वो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम वो अर्थ पे आया था टाइम स्टोन लेने के लिए, तो इसी लोकेशन से उसका डीएनए उठाया गया होगा। मोहम्मद अल अमीन का क्वेश्चन है, व्हेन ग्रेविक एंड गाया'स पावर्स आर सेम, ग्रेविक कैसे हार गया? पंकज का क्वेश्चन है, व्हेन गाया मेड होल इन ग्रेविक्स बॉडी, व्हाई ही डजंट यूज हिज हीलिंग पावर? फर्स्ट थिंग, जब गाया ने उसकी बॉडी में चेस्ट में इतना बड़ा होल बना दिया है तो वो हील किससे करेगा? मतलब जो ये एक्सट्रीमिस्ट की हीलिंग पावर्स है ये डिपेंड करती होगी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स पे, जैसे कि हार्ट, तो अगर वो पार्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो बॉडी हील कैसे करेगी? तो लॉजिकली ये आंसर है। एंड वही जो ग्रेविक और गाया की फाइट, इसमें मुझे ये लगता है कि जिसने अपनी पावर्स को यूज करना कंट्रोल करना पहले सीख लिया वो इस फाइट को जीतता, और वो चीज गाया ने पहले कर ली थी, जिसका रीजन हो सकता है उसका रेज, क्योंकि वो टैलोस को लेके जब उसे बोलने लगता है तब वो अपनी फुल रेज वाली पावर्स यूज करती है। तो मे बी अगर यही सेम चीज ग्रेविक करता तो गाया भी मर सकती थी। एंड देन साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कि अवेंजर्स में से कौन गाया को, जो कि अब एक सुपर स्क्रल है, उसे कौन हरा सकता है? तो मेरे हिसाब से कोई भी सुपर पावर्ड अवेंजर गाया को इजीली हरा सकता है। इसका रीजन है अवेंजर्स का इतने सालों से अपनी पावर्स को यूज करना और उन्हें कंट्रोल करना सीखना। फिलहाल के लिए गाया को जस्ट नई पावर्स मिली है और उसे उन्हें यूज करना ठीक से नहीं आता। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि कोई भी सुपर पावर्ड अवेंजर गाया को इजीली हरा सकता है। Which brings us to main question, जो ऑलमोस्ट कम्युनिटी पे सबने पूछा है। इसमें आदित्य, वगीश, संतली, अंशुल गर्ग, राजेश, रोहित, मिस्टर वर्स और एसके गेमिंग, सबका यही क्वेश्चन है कि रोडी कब से स्क्रल है। अब जो फिनाले एपिसोड आया था तब मैंने डिस्कस किया था कि रोडी कब से स्क्रल हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की इवेंट्स के बाद ही होगा। और उसके पीछे मैंने दो रीजंस दिए थे, एक टोनी स्टार्क जो उसकी हेल्प कर रहा था रिकवरी में, वो बहुत इजीली उसे पकड़ सकता था अगर वो स्क्रल होता। एंड सेकंड रीजन था कि वकांडा में उसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फाइट की थी, तो वकांडन टेक्नोलॉजी भी स्क्रल्स को पहचान सकती है क्योंकि वो किसी भी और स्पीशीज को पहचान सकती है। तो मेरे ये दो रीजंस थे कि रोडी को अवेंजर्स एंड गेम के बाद ही स्क्रल्स ने रिप्लेस किया होगा। अब ये चीज एपिसोड फिनाले के बाद ही उठनी शुरू हो गई थी कि जब रोडी को दिखाया गया है सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले में, वो एक हॉस्पिटल गाउन में था। एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो वो फाइट हुई थी उनकी एयरपोर्ट पे, उसी के बाद उसे इसी तरह के गाउन में दिखाया गया था एमआरआई स्क्रीनिंग के टाइम। अब उस पे ऐड कर दिया है इस सीरीज सीक्रेट इन्वेजन के डायरेक्टर अली सलेम, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हाँ, रोडी काफी टाइम से स्क्रल है। एंड इनफैक्ट जो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के टाइम से वो स्क्रल था, तो ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है। अब इस चीज को मैं ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उनका जो ये कमेंट है उन्होंने एक फन वे में कहा है कि ऑडियंस को मजा आएगा पास्ट के सभी 9 साल में जितनी भी मूवीज आई है उनको देख के रोडी को नोटिस करने में। एंड उन्होंने ये डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया, उनका जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये था कि उन्हें इस सीरीज के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई थी। मतलब इस सीरीज की एंडिंग ऐसे नोट पे होनी चाहिए जहां पर निक फ्यूरी वापस स्पेस में चला जाएगा एक, एंड सेकंड थिंग कि रोडी के लेग्स फिर से डैमेज दिखाए जाने चाहिए। अब निक फ्यूरी का स्पेस में होना सीधे लिंक करेगा द मार्वल्स मूवी के साथ, एंड रोडी के लेग्स वर्क नहीं करते, ये चीज कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट आने वाली मूवी आर्मर वॉर्स में। तो इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकालना कि ये रोडी सिविल वॉर के टाइम ही रिप्लेस हो गया है, मुझे लगता है ये बेवकूफी है, क्योंकि वो सिर्फ एक मजाक के तरीके में उन्होंने कहा और वो चाहते हैं कि ऑडियंस गो थ्रू करे बाकी
सभी मूवीज के और ढूंढ के निकाले कि क्या सच में ये रूडी एक स्क्रल था या नहीं। एक दो हिंट्स मुझे ऐसे ही पता है इन बैक ऑफ माय माइंड कि रूडी को जब भी चोट लगी है तो उसका ब्लड रेड था, ना कि ग्रीन या ब्लूइश जो स्क्रल्स का होता है। तो अभी मैं अपने इसी स्टेटमेंट पे फिक्स रहूंगा कि द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज के बाद ही रूडी को रिप्लेस किया गया है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अब अगर इस वीडियो में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन मिस हो गया है तो उसका रीजन है कि ये एडिटेड वीडियो है। इसका अनएडिटेड पॉडकास्ट वाला रूप देखना है तो स्पॉटिफाई पे सुपर थेरीज विद स्वप्निल पॉडकास्ट को चेकआउट कर लेना। वहां पर सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने डिटेल में दिए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर ट्विटर पे हो तो फॉलो कर लेना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।